वेलकम टू माय चैनल 90s की डमन। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है ट्रायम्फ का ट्रैवलर 400X। ये नया बाइक लॉन्च हुआ है इंडियन मार्केट का ध्यान रखते हुए। जो मोटो है वो मॉडर्न एंड रेट्रो लुक को कंबाइन करके आपको डबल एक्सपीरियंस देने वाला है। अर्बन एक्सपीरियंस एंड ऑफ रोड एक्सपीरियंस बोथ रहने वाला है, आपको मिलने वाला है। तो चलो ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली इस बाइक में आपको 1 वेरिएंट एंड 3 कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जो ये कलर आप देख रहे हो इसका नाम है कार्निवल रेड फैंटम ब्लैक, क्योंकि इसका जो ब्लैक स्ट्राइप है उसके वजह से फैंटम ब्लैक का भी नाम दिया गया है। एंड और एक कलर आता है मैट खाकी ग्रीन विथ फ्यूजन व्हाइट, एंड एक कलर आता है फैंटम ब्लैक विथ सिल्वर आईज। तो अब बात करते हैं बाइक का लुक्स के बारे में। तो फ्रंट लुक का अगर बात करें तो हमें रेट्रो हेडलैम्प्स के साथ आपको हेडलाइट ग्रिल्स मिलने वाला है, एंड आपको एलईडी इंडिकेटर्स के साथ हजार्ड लाइट भी मिल जाएगा। फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाने वाला है एंड डीआरएल लाइट्स भी रहने वाला है। फ्रंट मडगार्ड थोड़ा सा सिल्वर मेटलिक टच के साथ मिल जाएगा। बहुत ही प्रीमियम एंड कॉम्पैक्ट लुक दे रहा है बाइक को, विथ इंडिकेटर रिफ्लेक्टर्स मिल जाएगा आपको। एंड टैंक में पॉपी रेड मेटलिक कलर विथ ग्लिटरी टेक्सचर एंड थोड़ा सा ब्लैक स्ट्राइप विथ रैम का ब्रांडिंग। एंड आपको टैंक क्रिप भी प्री लोडेड मिल जाने वाला है विथ रैम का बैजिंग। एंड फिल्टर बॉक्स में भी स्क्रैम्बलर 400X का ब्रांडिंग मिल जाने वाला है विथ थोड़ा सा सिल्वर टच। एंड ये जो ब्लैक कलर है आपको अच्छे से आपको दिख रहा है, तो इसमें भी मेटलिक टच दिया गया है, मतलब ग्लिटरी इफेक्ट। बहुत ही वाइब्रेंट एंड कूल लग रहा है। इंजन में भी TR सीरीज का 400cc का बैजिंग दिया हुआ है। ट्रैम का लोगो टेम आपको इंजन पे भी देखने को मिल जाएगा। एंड एल्यूमिनियम इंजन गार्ड देखने को मिल जाएगा। लेदर टाइप डार्क ब्राउन सीट देखने को मिल जाएगा विथ व्हाइट स्टिचिंग। टैंक कवर में भी आपको ट्रैम का लोगो मिल जाएगा देखने को। रियर में भी आपको एलईडी टेल लाइट्स मिल जाएगा एंड एलईडी इंडिकेटर्स के साथ हजार का फैसिलिटी रहने वाला है। एंड सीट में भी ट्रैम का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड रिजिड आपको ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। प्री लोडेड हैंडल गार्ड देखने को मिल जाएगा आपको। हाइब्रिड स्पाइन पेरीमीटर ट्यूबुलर फ्रेम देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको लेग गार्ड्स मिल जाने वाला है। अब बात करते हैं इस बाइक का इंजन स्पेक्स के बारे में। ये 398cc का लिक्विड कूल DOSC 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर की इंजन आती है, जो प्रोड्यूस करती है 39 bhp का हॉर्स पावर एंड 37 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। एंड इस बाइक में आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 43mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाएगा विद गोल्डन क्रोम प्लेटिंग। तो फ्रंट व्हील का अगर बात करें तो आपको 320mm का 4-piston रेडियल कैलिपर्स मिल जाने वाला है। आपको MRF का 100x90x19 का रिम मिल जाने वाला है विथ अलॉय रिम्स, जो कि मैट ब्लैक कलर का है, जो बहुत ही ज्यादा रेट्रो एंड मॉडर्न लुक को जस्टिस कर रहा है। ये सस्पेंशन आपको RACU टेक्नोलॉजी के साथ विथ एक्सटर्नल रिजर्वर। रियर सस्पेंशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सस्पेंशन रहने वाला है। रियर में आपको 230mm का सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स मिल जाएगा। एंड जो टायर सेक्शन रहने वाला है वो भी MRF का 140x80x17 इंच का रिम मिल जाएगा। एक्स रिंग वाला चेन स्प्रॉकेट देखने को मिल जाएगा एंड ट्विन साइडेड कास्ट एलॉय वाला आपको स्विंग आर्म देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत हार्ड एंड रिजिड है। एंड ये बाइक आपको डुअल चैनल ABS में देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब बात करते हैं इस बाइक का सीट हाइट के बारे में। इस बाइक का सीट हाइट जो रहने वाला है वो 835mm का रहने वाला है। बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो रहने वाला है 195mm का। जैसे कि आप मेरा टोज देख सकते हो, दोनों तरफ में मेरा टोज टच हो रहा है एंड मेरा हाइट 5'8" है, तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका कैसा क्या रहने वाला है। का जो कर्व वेट है वो 187kg का रहने वाला है। इस बाइक में आपको स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाने वाला है। बाइक में आपको बॉस इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल मिल जाने वाला है। का जो हैंडल विथ है वो रहने वाला है 901mm का। इससे बहुत आपको लॉन्ग एंड एक्सपोजर वाला फीलिंग मिलेगा एंड थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड भी रहने वाला है लॉन्ग राइड्स पे। बाइक में आपको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा, जो कि कंपनी क्लेम करती है 30 kmph का माइलेज मिलने वाला है। बाकी वो तो हम राइड करेंगे तो ही आपको इनिशिएटिव दे सकते हैं। एंड ये बाइक E20 रेडी आती है। आपको जो टैंक में टैंक ग्रिप मिलता है उसके वजह से बहुत सही पॉस्चर मिलने वाला है एंड बहुत ग्रिपी रहने वाला है हार्ड टर्निंग्स में। बाकी आप ऑन रोड या ऑफ रोड में आप जब चलाओगे तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं मीटर कंसोल का, जो कि सेमी डिजिटल रहने वाला है। उसके साथ आपको इंजन चेक लाइट,
ऑयल चेक लाइट, टेम्परेचर कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल एंड इंडिकेटर एंड फ्यूल गॉज मीटर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर देखने को मिल जाएगा एंड राइडिंग मोड्स में आपको ऑफ रोड मोड एंड एक अर्बन मोड देखने को मिल जाएगा, जो कि आप प्री कस्टम भी कर सकते हो। मॉडर्न स्टाइल का आपको इग्निशन किल स्विच एंड हजार्ड स्विच मिल जाएगा एंड नेविगेशन कीज कुछ इस तरह का रहने वाला है, बहुत इजी टू हैंडल। एंड यहाँ पे इंडिकेटर स्विच कुछ इस तरह का रहने वाला है विथ हॉर्न। प्री लोडेड आपको हैंडल स्टेबिलाईजर देखने को मिल जाएगा। स्टेनलेस स्टील ट्विन स्किन हेडर सिस्टम वाला आपको साइलेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही मॉडर्न एंड रेट्रो लुक को कंबाइन करके बनाया गया है। एंड एंड में आपको ब्लैक पाउडर कोटेड टेक्सचर देखने को मिल जाएगा एग्जॉस्ट में। साइलेंसर का थोड़ा सा नोट सुना दीजिए, थोड़ा सा पता चल जाए सबको कि कैसा क्या रहने वाला है। एकदम गाइस चलो मिलते हैं दादा का, पहले नाम पूछते भैया क्या नाम है आपका। मेरा नाम सुबीर कुमार सिंह। सुबीर कुमार सिंह, सो दादा अपना के जीएस करवो कि मैंने ये बाइक के की aspects আছে, কি service aspects আছে and কি pricing আছে, আপনি একটু explain করে দিন service এর কি price থেকে start করছি। price আছে 3,16,000। 3,16,000 আর service বলতে মোটামুটি buyer first buyer 45 দিন বা 1,000 কিলোমিটারের পর আপনাকে first service করতে হয়। then second service আছে 12 মাস না হলে 16,000 কিলোমিটার। তো ওই সেই ক্ষেত্রে আপনি পুরোটা long term 1 বছরের জন্য ওটা আপনি পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, ₹70,000-60,000 সবকিছু দেখতে পারেন, আবার সার্ভিস সেন্টার দিয়েও পারচেজ করতে পারেন। সবকিছু ফিটিং সবকিছু সার্ভিস সেন্টারই হয় আর গাড়িতে ওভার অল টোটাল অ্যাক্সেসরিজ ফিটিংসই থাকে। ফিটিং গার্ড আপনার স্টেবিলাইজার সবকিছু অলরেডি ফিটিং আছে। ফিটিং আছে এন্ড এর মানে সার্ভিস সেন্টার আপনাদের কোথায় আছে? সার্ভিস সেন্টার আমাদের জগতে আছে। সার্ভিস সেন্টার সার্ভিস সেন্টার আর এই শোরুমের প্রপার অ্যাড্রেসটা একটু কিছু বলে দিন। প্রপার অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার ঠাকুরপুকুর হন্ডা বাজারের পাশেই বলতে পারেন। বাজার শোরুমের পাশে ঠাকুরপুকুর মেইন বাজার সামনে। সো গাইস আজ কা ব্লগ কেসা লাগা, কিউকি মে ফার্স্ট টাইম এই শোরুম পে আয়া হু। ये साउथ कोलकाता मतलब ठाकुरपुकुर में अपना नया शोरूम खुला है ट्रायम का, तो मैं आया सोचा आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना बनता है। एंड ये जो स्टैम्बलर जो ब्यूटी है, मॉडर्न ब्यूटी जिसको बोल सकते हैं, मॉडर्न एंड रेट्रो लुक वाला ब्यूटी, वो आपको देखने में कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही लगा है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करो अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, जिसको भी चाहिए बाइक। एंड तब तक के लिए राइड हार्ड लिव फ्री, बाय बाय गाइस।